तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहा बेग, आप देख रहे हैं तहा मिज़ ऑफिशियल चैनल। सो फ्रेंड, बेसिकली आज की इस वीडियो में आप लोगों में बताऊंगा कि रेडमी नोट 10S के अंदर नोटिफिकेशन लाइट क्या होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फुल आपको डिटेल दूंगा, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों के पास रेडमी का नोट 10S है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो फ्रेंड, बेसिकली रेडमी नोट 10S के अंदर नोटिफिकेशन लाइट होती है, और भी इसके जो नोटिफिकेशन के फीचर्स होते हैं आज उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले नोटिफिकेशन लाइट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं डिवाइस दिखा देता हूँ अपने। ये मेरे पास है रेडमी का नोट 10S, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली अब बात करते हैं इसकी नोटिफिकेशन की। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ यहाँ पर नोटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ गया नोटिफिकेशन। तो दोस्तों सिंपली आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन लिखना है, देन नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट लिखा होगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेगा तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन के इफ़ेक्ट हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन इस तरीके से चाहिए तो जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो आपके पास इसी तरीके का थीम आएगा। तो दोस्तों इस तरीके का भी नोटिफिकेशन थीम दिया गया है यहाँ पे। और जो नोटिफिकेशन लाइट आपकी स्क्रीन पे ऊपर शो होगी दोस्तों, वो ये होगी जब इसको इनेबल कर देंगे। तो जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी तो ऊपर आप लोगों के पास ऐसे ही लाइट शो होगी रेडमी नोट 10S के अंदर। तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो हम बात कर लेते हैं इसके अंदर नोटिफिकेशन एक्सेस क्या होता है, वो ये होता है दोस्तों, कोई भी आपकी जैसे एंड्रॉयड चीज़ हो या गूगल प्ले सिक्योरिटी, आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ नोटिफिकेशन शेड। तो फ्रेंड, नोटिफिकेशन शेड यहाँ एंड्रॉयड में दिया जाता है और MIUI में दिया जाता है। तो ये आप किसी भी स्टाइल में सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने तो एंड्रॉयड में ही सिलेक्ट किया, तो आप भी एंड्रॉयड में ही रखिएगा इसको। और तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ है नोटिफिकेशन वाइब्रेशन। तो जब भी आपका फ़ोन मतलब बंद होगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो उसकी वाइब्रेशन आपको होगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आई है। और दूसरे दोस्तों इसको भी ऑन ही रखिएगा। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने, यहाँ पर कुछ ऑप्शन और हैं वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, दोस्तों ये सिंपली इसकी भी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है, वो आप देखेगा ज़रूर। और दोस्तों नीचे चलते हैं, यहाँ पर नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट के बारे में आपको बता दिया और नोटिफिकेशन का स्टाइल आपको भी बता दिया। तो दोस्तों ये थे कुछ नोटिफिकेशन इसके फंक्शन, रेडमी नोट 10S की नोटिफिकेशन लाइट के फंक्शन। सो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा दोस्तों, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करेगा ताकि मैं आगे न्यू न्यू फ़ोन्स लूँ जिन पे आप लोगों को वीडियोस बना बना के दिखाऊँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।